ये देखिए हमारा कटहल का अचार है, ये सिर्फ एक दिन में ही बनकर रेडी हो जाता है और बनाना भी बहुत ईजी है, सिंपल है, इसमें कोई खटाई का यूज नहीं किए हैं और ये बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो इसका रेसिपी हम आपको बताते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनी तिवारी, इन इनफो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं कटहल के अचार बनाने वाली हूँ, वो भी बिना खटाई यूज किए। ये एक दिन में ही बन के रेडी हो जाता है और पूरे साल आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम बताते हैं, चलते हैं किचन में। कटहल के अचार बनाने के लिए हमने ये 500 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा है हमने ये कटहल लिया है। इसे हम छील के अच्छे से साफ करवा ली है, जहाँ दुकान से हम खरीदे हैं वहीं से कटवा के लाए हैं। तो इसे अब हम थोड़ा सा उबालेंगे। तो हमने गैस पे एक पतीला चढ़ा दिया है और इसमें हम 2 गिलास पानी डाल दिए हैं और ये पानी मेरा गर्म हो गया है। तो इसमें कटहल डालेंगे, कटहल को हम ज़्यादा नहीं उबालेंगे, सिर्फ हम इसको 60% ही उबालेंगे। अगर हम इसे कुकर में भी उबाल सकते हैं, बट कुकर में बहुत ज़्यादा गल जाएगा, इसलिए हम इस पतीले में ही उबालेंगे। और इसे हम इसे ढक के 5 से 6 मिनट तक बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे। एक बार हम चेक कर लेते हैं कटहल को, तो देख लेते हैं कटहल हम इसे हाई टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे 6 मिनट तक उबाले हैं। तो ये अच्छे से जितना हमें चाहिए दबा के देखेंगे तो हल्का दब रहा है, तो हमें ऐसा ही कटहल चाहिए। बहुत ज़्यादा हम नहीं उबालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ 60% हमें पकाना है। तो अब हम गैस को ऑफ करेंगे और इसे हम पानी निकाल लेंगे। इसका हमने सारे पानी को निकाल दिया है, इसे अच्छे से छान दिया है पानी। तो हम इसे अब हल्का सा ड्राई कर लेंगे, सुखा लेंगे। तो हमने ये टॉवल लिया है, आप कॉटन कपड़ा पर भी इसे सुखा सकते हैं, इसे हम धूपा में भी सुखा सकते हैं या फैन के नीचे भी 5 से 6 घंटे तक पूरा इसे अच्छे से हम ड्राई कर लेंगे। इसे थोड़ा सा भी पानी का अंश हम नहीं रहने देंगे, बहुत अच्छे से हम इसे ड्राई करेंगे तो हमारे कटहल के अचार बहुत अच्छे बनेंगे। 4 घंटा हो गया है तो ये जो कटहल है हमारा वो ड्राई हो गया है। तो अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो अचार के लिए मसाला रेडी करेंगे, हमने गैस जला दिया, उसे पैन रख दिया है। तो इसमें हम 1 चम्मच मेथी दाना डालेंगे और थोड़ा सा इसमें 1 चम्मच सौंफ डालेंगे और 1 चम्मच ये जीरा डालेंगे और हल्का सा इसे हम रोस्ट करेंगे। 2 से 3 चम्मच ये सरसों है, ये काली सरसों है या पीली सरसों भी यूज कर सकते हैं। सरसों को हम बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे, नहीं तो ये कड़वापन हो जाता है। तो बस इतना ही, अब गैस को हम ऑफ करेंगे और हल्का सा ठंडा होने तक हम रखेंगे। जब ठंडा हो जाएगा तो इसे हम दरदरा पाउडर बना लेंगे। हमने मसाले को दरदरा पीस लिया है। एक बात का खास ध्यान रखना है कि मसाले हमारे जब अच्छे से ठंडा हो जाए तब हम इसे पीसें, गरम मसाले को ना पीसें। तो बाकी के इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। तो हमने ये लाल मिर्च लिया, इसे भी हमने दरदरा पीस लिया है। और ये 2 चम्मच हल्दी पाउडर है, ये विनेगर है, ये व्हाइट सिरका है और ये सरसों का तेल है। मस्टर्ड ऑयल में ही अचार बहुत अच्छा बनता है। ये थोड़ा सा मंगरेल और अजवाइन है 1 चम्मच और ये हींग है। तो हम मसाले को ऐड करते हैं अचार में। हमने इसमें नमक डाल दिया है, नमक थोड़ा ज़्यादा डाले हैं। ये जो मिर्च है दरदरा पीसा हुआ, मिर्च डाल दिया है, मंगरेल जॉइन और हल्दी हमने डाल दिया है और ये जो सरसों मेथी के दाने और सौंफ है इसे हमने दरदरा पीसा है, इसे भी हम इसमें ऐड करेंगे और ये सिरका है तो सिरका भी हम इसमें मिला लेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच हींग डालेंगे, हींग से इसका फ्लेवर अच्छा आता है। और ये मस्टर्ड ऑयल है तो इसे भी हम इसमें डालेंगे और सारे अचार को हम मिला लेंगे। अचार को हमने अच्छे से मिला दिया है। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि अचार को जब भी हम बनाएं
तो इनमें नमी ना हो, जिस बर्तन का भी हम यूज करें उस बर्तन में नमी ना हो, बिल्कुल बर्तन सूखा होना चाहिए, हाथ भी सूखा होना चाहिए। और ये अचार हमारा सालों साल चलता है। और जब भी हम इसे निकालें खाने के लिए तो चम्मच को अच्छे से पोंछ के, तो हमारे अचार सालों साल चलेगा। अब इसे हम अचार हमने अच्छे से मिला लिया है, अब इसे हम कंटेनर में भर देंगे और 3 दिन का धूप इसे दिखाएंगे। अचार का 3 दिन के बाद ही इसका स्वाद अच्छा आता है, ये खाने के लिए रेडी हो जाएगा। 3 दिन इसे हम धूप में रखेंगे। अचार को जब भी रखें थोड़ा दबा दबा के रखें, दबा के रखने से इसमें एयर नहीं जाएगा तो अचार हमें लंबे समय तक अच्छे बने रहेंगे। तो अचार को जब भी हम भरे कंटेनर में तो इसे दबा दबा के भरें। अचार हमने भर लिया, थोड़ा सा तेल और इसमें हम डालेंगे। तो अचार हमारा बन के रेडी है, इसे 3 दिन का हम धूप दिखाएंगे। तो आप भी बनाइए, खाइए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए।